मैं ये चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन शिक्षा स्थान की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए, और ताकि आने वाले समय में आपको बाहर से जो है वो टैलेंट नहीं मंगाना पड़े, आपके बच्चे ही उस फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं। यूपी में निवेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हैं। इसी को लेकर पिछले दिनों 4 और 5 जनवरी को मुंबई में उद्योगपतियों और फिल्म जगत की हस्तियों से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। इस पूरी बैठक में तमाम फिल्मी हस्तियों, फिल्म डायरेक्टर से लेकर अभिनेताओं ने अपने अपने सुझाव सामने रखे, लेकिन इस दौरान फिल्म निर्माता सुभाष घई ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर सबके मानो कान खड़े हो गए। फिल्म निर्माता सुभाष घई ने योगी आदित्यनाथ से कह डाला कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो आप ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन शिक्षा स्थान की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। दरअसल सुभाष घई फिल्मों से जुड़ी शिक्षा और टैलेंट को बाहर लाने के लिए एंटी स्कूल और अलग मुद्दों को लेकर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन शिक्षा पर ध्यान दे, जिससे यूपी के लोगों को फिल्मों में ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके। मैं सबसे पहले आपको महाराज जी और आपकी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से यूपी में फिल्म इंडस्ट्री की प्रगति हुई है, ये मैंने बहुत सालों से नहीं देखी, जो कि मैंने कुछ सालों में देखी है। और ख़ासकर जो आपने फिल्म सिटी, ये बड़े ही प्रण से और लगन से इसको पूरा विस्तार रूप दिया है। साथ में मैं ये चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन शिक्षा स्थान की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यूपी के बच्चे भी जो हैं वो कलाकार, एक ट्रेंड कलाकार बने, ट्रेंड टेक्नीशियंस बने, और ताकि आने वाले समय में आपको बाहर से जो है वो टैलेंट नहीं मंगाना पड़े, आपके बच्चे ही उस फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं। उसकी भी एक सॉफ्ट पावर की भी जरूरत है हार्ड पावर के साथ साथ, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। वहीं इस बैठक में मौजूद सिंगर कैलाश खेर ने यहां तक कह डाला कि यूपी में फिल्म सिटी के साथ साथ एक एलो सिटी भी बनाने की जरूरत है, जहां पर स्वास्थ्य और मानसिक शांति लोगों को मिल सके। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बात हो रही है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि फिल्म सिटी तो ठीक है, एक इल्म सिटी की भी ज़रूरत है भारत को। और कुछ चुने हुए लोग, महाराज जी जैसे, आप जैसे लोगों को परमात्मा ने चुना है, तो उस तरफ भी ध्यान दें। उत्तर प्रदेश जाना जाता है अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। भारत के भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव की पहली नगरी ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ने 7 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं। भारत बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। एक वहाँ अध्यात्म का गढ़ भी बना दीजिए, फिल्म सिटी के अंदर ही एक इल्म सिटी हो और मेडिटेशन सेंटर हो। ये दुनिया दिमाग वाले चला रहे हैं महाराज जी, लेकिन जैसी चल रही है ये तो सबको पता है कैसी चल रही है। तो थोड़ा सा हृदय का भी ख्याल रखिए। बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी बोलकर बेचारे सब वचन दे रहे हैं, अच्छा बिजनेस का काम हो रहा है, पर गुरु जी थोड़ा सा ध्यान हृदय पर भी देना पड़ेगा, और ये संत लोग, आप जैसे लोग कर सकते हैं। फिलहाल सीएम योगी लगातार यूपी में इन्वेस्टमेंट की तमाम संभावनाओं के लिए मेगा प्लान बना रहे हैं, लेकिन ये भविष्य में देखने वाली बात होगी कि जमीन पर कितना कुछ बदलाव इसमें दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी न्यूज़ इंडिया।